17वीं लोकसभा के लिए 11 अप्रैल से 19 मई के बीच 7 चरणों में मतदान। 90 करोड़ मतदाता करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। 1.5 करोड़ वोटर पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का बनेंगे हिस्सा। सोशल मीडिया पर आयोग की नजर। 23 मई को नतीजे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। ओडिशा में 11 से 29 अप्रैल के बीच 4 चरणों में मतदान। आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 11 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग। भारत बांग्लादेश के बीच 4 विकास परियोजनाओं का संयुक्त उद्घाटन। बांग्लादेश में 5 जिलों में 30 कम्युनिटी क्लिनिक की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। नेशनल नॉलेज नेटवर्क के विस्तारीकरण और BRTC को बसों और ट्रकों की आपूर्ति की कई ई पट्टिका का अनावरण। सांसद सुखदेव सिंह ढींडसा, हुकुमदेव नारायण यादव, करिया मुंडा और प्रवीण जमनादास गोर्धन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित। दिवंगत कुलदीप नैयर को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 हस्तियों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। और इथियोपियन एयरलाइंस ने हादसे के बाद बोइंग 737 मैक्स की पूरी फ्लीट पर रोक। हादसे में 4 भारतीय समेत 157 की मौत। विदेश मंत्री का पीड़ित परिवारों की मदद का निर्देश। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने भी जताया शोक।